टुडे वी विल टॉक अबाउट पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पहला मेथड जो सबसे आसान और शॉर्ट मेथड है, परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अली एंड बिलाल डिसाइडेड टू एडमिट सलमान एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। अली और बिलाल पहले से पार्टनर हैं, ये उनकी बैलेंस शीट है। कैश, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स 1,50,000, दोनों का कैपिटल 90 और 60, टोटल इक्विटीज 1,50,000। एक नए पार्टनर सलमान को वो एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं अपने पास फर्म में। सलमान इज कमिंग बाय परचेजिंग 1/3 इंटरेस्ट फ्रॉम अली। अली का जितना भी कैपिटल है उसका 1/3 शेयर सलमान खरीद लेगा और कुछ अमाउंट अली को दे देगा। जो अमाउंट वो अली को पे कर रहा है वो 40,000 है। हमें इस क्वेश्चन में जो भी अमाउंट वो प्राइवेटली पे कर रहा है, डायरेक्टली पे कर रहा है, उसको इग्नोर करना है। इस अमाउंट से हमारा कोई काम नहीं। हम ये देखेंगे कि अली का कैपिटल कितना है, 90,000। 1/3 शेयर सलमान परचेज कर रहा है, 90 का 1/3 होता है 30,000। यानी अली के कैपिटल का 30,000 रुपये का शेयर सलमान अपने नाम ट्रांसफ़र कर रहा है। फर्म के कैश में कोई इंक्रीज नहीं हो रही, फर्म में कोई एसेट न्यू एडिशनली नहीं आ रहा। सिर्फ ये चेंज आएगा कि अली अपने हिस्से का 30,000 कैपिटल अपने नाम के बजाय सलमान के नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो जब हमने ये अमाउंट कैलकुलेट कर ली, जो पार्टनर अपने कैपिटल में से अमाउंट दे रहा है उसका कैपिटल डेबिट, और जो नया आने वाला पार्टनर अमाउंट पर कैपिटल को परचेज कर रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट। Why is this happening? Because Ali is selling his capital, उसका capital account decrease हो रहा है तो debit. Salman is coming in the partnership firm, his capital account is increasing, therefore his capital will be credit. तो simply we will record one journal entry to record the admission of new partner by direct purchase of interest method. तो जब भी परचेज ऑफ इंटरेस्ट कवर्ड यूज हो क्वेश्चन के किसी केस में, पार्टनरशिप एडमिशन में, हमने सिंपली एक कैलकुलेशन देनी है, नए आने वाले पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है और उसकी जनरल जनरल एंट्री बना देनी है। एक रिक्वायरमेंट जनरल जनरल एंट्री से रिलेटेड आती है। सेकेंड रिक्वायरमेंट इसी फर्म की बैलेंस शीट दो पार्टनर्स के बजाय 3 पार्टनर्स के साथ बनाने को आ सकती है। अब अगर हम देखें इस जनरल जनरल एंट्री के बाद इस बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस आएगा। जनरल एंट्री में सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो हमें एसेट साइड पे कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। कैपिटल अली का टी अकाउंट हम अपने माइंड में रखें या यहाँ रफ में बना लें, 90,000 क्रेडिट में है, 30,000 से अली का कैपिटल डेबिट हुआ तो उसके कैपिटल में सिर्फ 60 बचे। बिलाल का कैपिटल जनरल एंट्री में इन्वॉल्व नहीं है, उसके कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। सलमान एक नया पार्टनर और फर्म में आ गया तो उसका कैपिटल भी यहाँ पे नज़र आना चाहिए, 30,000। ठीक है, इस तरह से हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे अगर रिक्वायरमेंट हो। अब देखें कैसे रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने अभी बात की, 60,000 अली का कैपिटल रह गया, बिलाल का ऑलरेडी 60 है और सलमान जो नया एक पार्टनर आया उसका कैपिटल भी 30,000 रुपीज़ हो गया। तो दिस इज केस नंबर ए विच वी हैड डन। We had seen a situation in which new partner is coming and purchasing 1/3 interest from Ali. Now let's assume one more case in this question. Case B assume करते हैं, वही partnership firm है, वही partners हैं। अब की बार सलमान 1/4 interest purchase कर रहे बिलाल से और वो बिलाल को cash pay कर रहा है directly। तो हमने ये देखना है कितनी amount बिलाल को वो पे कर रहा है और कितनी 1/4 शेयर के अकॉर्डिंग उसको पे करनी चाहिए। कैपिटल बिलाल था हमारे पास क्वेश्चन में 60,000। हमने देखा 1/4 शेयर के लिए जो नया पार्टनर आ रहा है सलमान, वो उसको कितनी अमाउंट पे करेगा या उसका कितना शेयर परचेज कर रहा है। 60,000 का 1/4 बनता है 15,000। हमने ये अमाउंट कैलकुलेट की। जैसे मैंने आपको कहा, इस अमाउंट को हम इग्नोर करेंगे जो वो उसको प्राइवेटली या डायरेक्टली दे रहा है। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि ये पैसे फर्म में नहीं आ रहे बल्कि पार्टनर उसको प्राइवेटली पे कर रहा है। तो ये 10,000 जो वो प्राइवेटली उसको पे कर रहा है हम उसको इग्नोर करेंगे।
और हम सिर्फ और सिर्फ इस 1/4 को कैलकुलेट करके जो अमाउंट आ जाएगी उससे हम एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? जिस पार्टनर का कैपिटल परचेज कर रहा है नया पार्टनर, उसका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज या डेबिट, और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज या क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी 15,000 रुपीज़ से कैपिटल बिलाल डेबिट, कैपिटल सलमान क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे, परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड के थ्रू हमने एडमिशन रिकॉर्ड किया। नाउ अगेन हैव अ लुक ऑन द बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब की बार अली के कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिलाल के कैपिटल में से 15,000 रुपये अली के सलमान के पास चले गए तो वो कम हो गए, और सलमान का कैपिटल हमें यहाँ नज़र आ रहा है 15,000 रुपीज़ जिस जो उसने इन्वेस्टमेंट की। फर्म के एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया, फर्म के एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड के थ्रू नया पार्टनर आ गया। सिर्फ यहाँ दो पार्टनर्स के बजाय तीन पार्टनर्स नजर आ गए, एंड दैट्स ऑल अबाउट द परचेज ऑफ एन इंटरेस्ट मेथड। लाइक द वीडियो, वॉच द कॉमर्स लेक्चर ऑनलाइन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।